ओके तो ये क्या हो गया अपना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बिल्कुल ये वाला कंटेंट अच्छे से करते हैं जो है। देखो ध्यान से इधर, मैंने कहा कि पुट x इज इक्वल्स टू जीरो इन गिवन इक्वेशन, जैसे ही x की वैल्यू जीरो रखा तो y इक्वल्स टू क्या आ गया c आ गया, मतलब मैंने कहाँ ले लिया यहाँ पर c, आई बात समझ में। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया था कि जब स्लोप क्या हो लेस देन 90 डिग्री हो तो m क्या होता था पॉजिटिव, है ना, तो ये है क्या यहाँ पर m पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप कैसे जो ये ऐसे जा रहा था ऐसे स्लोप जा रहा था, अब स्लोप कैसे जाएगा यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ से चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या सबको, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री पहली बात, दूसरा y एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट करती है c दिख रहा है ना आपको, और बाद में ये लाइन क्या हो गई वहाँ शिफ्ट हो गई, लाइन वैसे ही रहेगी। देखो पहले कैसे था y इक्वल टू mx, कैसे था ऐसा था क्योंकि यहाँ पे जीरो रखने पे y इक्वल टू क्या आता था जीरो पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन अब अगर हम यहाँ इसमें रखें जीरो तो क्या आएगा y इक्वल टू c, तो बस वो ग्राफ यहाँ से उठ करके कहाँ चली गई उस c पॉइंट से पास होती हुई चली गई। आई बात समझ में क्या, क्लियर हो गया क्या, अच्छा ये आपका पहला है जो है। अब जरा देखो जो है ये फर्स्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाले में था y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, अब क्या होगा अभिषेक पाटिल तुम बताओ, अब जब क्या रखेंगे x इक्वल्स टू जीरो तो c यहाँ कट जाएगा, नीचे नहीं जाएगा दिग्विजय, लेकिन अब देखो y इक्वल्स टू जब माइनस एम एक्स वाला था तो वो कैसे गया था बताओ, ऐसे भूल गए क्या, ये ऐसे बना था तो थीटा क्या हो गया था यहाँ ग्रेटर देन 90, तो यहाँ से मतलब टेन की वैल्यू किसमें नेगेटिव में चली गई तो माइनस एम एक्स। अब ये इस वाले इक्वेशन में इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ प्लस सी है, मतलब जब जीरो रखोगे तो वाई इक्वल्स टू क्या आएगा सी, मतलब ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गई सी पर, ऐसा सी से कट करती हुई चली जाएगी। क्यों समझ में आ रहा है क्या सबको, अभी मैं आपको ऐसा हिंट कर रहा हूँ, बाद में आप इससे ज़्यादा खुद समझ जाओगे जो है, बस यहाँ आपको केवल क्लियर करना है कि हो कैसे रहा है जो है। ओके देखो दो बातें आपको क्लियर हो गई इस वो कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि वो जो दोनों आपने छोटा छोटा बेसिक पढ़ा था उस बेसिक के हिसाब से। अब देखो ये हमने कहा फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकेंड, अब जरा सा थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में अगर मैं ले लूँ, क्या ले लूँ बोलो प्रज्वल, थर्ड को क्या ले लूं, एम एक्स माइनस सी, अगर मैं ऐसा लिखूं कि एम एक्स माइनस सी तब क्या होगा, सर ये पहला वाला ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, किधर बनेगा नीचे नेगेटिव एक्स पे, क्यों बातें समझ में आने लगी क्या, समझने वाले समझ गए होंगे, जब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस सी, ग्राफ ऐसे ही जाएगी, बस वो वहां से होकर जाएगी। देखो ये c यहाँ काट दिया यहाँ पर माइनस सी, देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये मैंने क्या लिख डाला है यहीं पर, अभी देखो ऐसा बना भी लेना 90, और ये क्या है प्लस सी, यही तो है सी, और यहाँ पर सी क्या होगा माइनस, बोलो बच्चों जल्दी से माइनस सी, और ग्राफ कैसे जाएगी ऐसे, वही वाली ग्राफ क्या यहाँ से चली गई, समझ गए क्या तुम लोग, ये क्या है y इक्वल्स टू mx माइनस सी, सर वो थीटा होगा ना, कौन सा, और ये अब भी क्या है थीटा, जल्दी बोल दो थीटा लेस देन 90, तभी तो m पॉजिटिव है, क्लियर हो रहा होगा, डेफिनेटली सबको क्लियर हो रहा है जो है, इसीलिए जो वाई वीटी कर्व बनता था तो मैं कहता था कि ये उसके ऊपर से गया, जरा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, वी इक्वल्स यू प्लस एटी बना दो वीटी, है ना, हमें इधर इधर तो आना नहीं होता, अरे भाई हाँ हमारी वेलोसिटी नेगेटिव तो है नहीं, जब होगी तो देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे तो है नहीं, अगर इसको मैं y इक्वल्स टू एम एक्स, ए यहाँ पे रोल किसका प्ले करता है स्लोप ही तो नेगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव होती है, तो यहाँ स्लोप क्या है पॉजिटिव, और ये सी का रोल कौन प्ले कर रहा है यू क्या है पॉजिटिव, तो ये कौन सा वाला है इसमें से तीन में से, पहला वाला,
तो U यहाँ और AT कैसे ऐसे, याद आ गया क्या? हाँ सर, उस दिन बनाया भी था मैंने, दिख गया? यही ग्राफ था। अच्छा, ले जाने को आप इधर भी ले जा सकते हो, लेकिन हमने वहाँ से ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं। हमारा ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट था? देखो, यही फिजिक्स और मैथ में अंतर है। यहाँ पे आपको पूरी लाइन प्लॉट कर देनी है। फिजिक्स में क्या होगा? वी आर स्टार्टिंग आवर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एट टी इक्वल्स टू जीरो एंड वहाँ से वी वन इक्वल्स टू क्या था? यू। जब हमने पहली बार देखा तो क्या था? यू इनिशियली। आई बात समझ में? वो जो मैं बनाता हूँ अभी, देखो जब डायग्राम बनेगा तो मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा। टी कहाँ जाएगा माइनस में? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये इधर नहीं जाता। इधर इधर कभी बना है क्या फिजिक्स में? यही डिफरेंस है। अब समझ में आया? नहीं समझे क्या? मैथ और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, क्लियर हुआ? वहाँ टाइम कैसे निगेटिव होगा? नहीं पॉसिबल है ना। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि फिजिक्स वाले पोर्शन में आपको दिमाग लगाना है और फिजिक्स ये मैथ वाले पोर्शन में क्या है, ऐसा प्लेन चलता चला जाएगा जो कैलकुलेशन है। थोड़ी थोड़ी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। और कहाँ ये आया? नहीं, ये तो बस बता रहा हूँ कि थीटा यहाँ लेस देन क्या है, 90 है, तो m की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो यहाँ m क्या है? पॉजिटिव है ना। चलो नंबर फोर। और नंबर y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। लो, अगर मैंने इसको माइनस एम बना दिया, पहली बात तो ग्राफ कैसे हो गई ऐसे, लेकिन सी भी क्या है? नेगेटिव। तो ये कैसे चली जाएगी? ऐसे। अब अगर इसको आप देखोगे तो कैसे होगा? थीटा इज ग्रेटर देन, आई बात समझ में, और इधर वाला सी क्या है? नेगेटिव। यहाँ है माइनस सी, यहाँ पर सी नीचे होगा बट माइनस सी, समझ गए? और ये हाँ ऐसा नहीं चला गया, जैसे दिख गया क्या? ये चारों बना लो और अच्छे से सीख लो, जो ना समझ में आता हो उसे एक नहीं कई बार पूछ लो, एक नहीं कई बार मुझसे तुम लोग इसको पूछ लो, फिर आप देखो। क्या सबको क्लियर हो गया है चारों ग्राफ? वेरी गुड। अच्छा, मैं एक और ग्राफ बनाऊं, हो गया? नोट किया क्या चारों? अभिषेक नोट डाउन किया? अच्छा अच्छा, कर लिया सबने अपने काम पर का नोट किया? कर लो कर लो कर लो, जल्दी फटाफट कर लो, कर लो फटाफट। हो गया नोट किया? क्या हुआ, नोट करो। हाँ, हो गया क्या? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ उसके बाद के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा के देता हूँ जो है। मान लो अब हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे सामने दो उसने लाइन की इक्वेशन दी है, उन दोनों लाइन के इक्वेशन को हमें क्या करना है? प्लॉट करना है। आई बात समझ में? तो देखो ये क्या क्या कर रहा है जो है, कैसे कैसे क्वेश्चन दिया है,
ओके अभी देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन किधर है? क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन 2i इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 देयरफोर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 इनटू x प्लस 1। आई बात समझ में क्या? अभी देखो अपने पास इक्वेशन था y इक्वल्स टू mx प्लस c। कंपेयर करूं तो m की वैल्यू क्या आई 3/2। इसका मतलब क्या कि m इज पॉजिटिव। पहली बात पॉजिटिव का मतलब हो गया कि tan थीटा इज लेस देन 90, मतलब यहाँ पर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री पहली बात। और c इक्वल्स टू क्या 1, c मतलब क्या हो गया प्लस 1। इसका ग्राफ कैसे हो गया दिग्विजय? पहली बात तो क्या हो गया ये प्लस 1 है ना, कहाँ से पास करेगा और ऊपर से ये कैसा पॉजिटिव तो कैसे गया 1 ऐसे। समझ में आया? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ ये 0 और ये 1 क्या? नहीं ये ऐसा मार नहीं, ऐसा प्लॉट कर दो जो है। ये तो लाइन है ना, ये तो लाइन है, ऐसा इन्फिनिटी को जा सकती है जो है। बस ये पॉइंट को टच करती हुई जाए जो है, इस पॉइंट को टच करती हुई जाए। आ गई बात समझ में? तो ये था अपना क्वेश्चन जो है, मतलब आप कह सकते हो कि द लाइन विल पास थ्रू 0.01, द लाइन विल पास थ्रू 0.01 और दूसरी बात थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। आ गई बात समझ में क्या? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्लियर है अस्मिता? आ रहा है समझ में? इधर प्रज्वल क्लियर हो गया है क्वेश्चन? ये जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं आप ये मान ले तो यही टफ है, यही सबसे टफ है जो ये चल रहा है। और अगर आपने इसको सीख लिया तो फिजिक्स आपके लिए इजी हो गई। मतलब अगर आप ये समझ रहे हो तो फिजिक्स में कुछ खास नहीं रखा हुआ है, ये सारी फिजिक्स इन्हीं सब के हेल्प से आगे चलेगी। तो ये आता है फिर वो भी आता है, थोड़ा सा वहाँ भी दिमाग लगा लेना, हो गया काम है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए सॉल्व। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ किसके लिए? बोल दो मुझे इक्वेशन 2y प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके हमारा एम क्या है कि ऐसा 2y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू क्या माइनस 2x माइनस 1 बन गया क्या? क्लियर हो गया क्या? ये कैसे हुआ सबको क्लियर हो गया? हमने 2 से डिवाइड कर दिया। देखो अब यहाँ से देखो तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो इसको। यहाँ से m इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 2, c इक्वल्स टू माइनस 1। याद है क्या y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी? हाँ बस यहाँ पर ये बता देना है कि ये कहाँ से जाएगा माइनस 1, मतलब कहाँ से जाने वाला है माइनस 1 से, और ये जो अपना हाँ थीटा क्या है ग्रेटर देन 90। ये देखो यहाँ पर थीटा क्या हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये इक्वेशन पॉइंट क्या होगा 0 और ये माइनस 1 0 माइनस 1। हो गया क्या यहाँ पर? यहाँ पे अगर आप देखो तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है बोलो माइनस 2। अरे m इज इक्वल्स टू क्या है? m ही तो tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 2 ऐसा है। ओके नेक्स्ट आ गया और इम्पॉर्टेंट भी है एक तरीके से, कहीं लाइन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैराबोला। ठीक है तो आपका नेक्स्ट कंटेंट चालू हो गया है पैराबोला है ना, तब तक लेते रहते हैं जब तक ये चल रहा है जो है ना, तो क्योंकि हो गया फिर भी चलाते रहते हैं जो है, तो हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, चलेगा ना जो है? ठीक है ना। हाँ तो तुम लोग आए ही कहाँ थे?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पैराबोला हेडिंग डाल दो, पैराबोला हो गया। क्या ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, मतलब लाइन सबको क्लियर हो गई, लाइन सबको क्लियर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो पैराबोला, पैराबोला की बात करें तो अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। और हम लोग क्या कर लें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, समझ में आई बात। और यहाँ पर कंपलसरी क्या है, ये कब तक पैराबोला बताएगा, व्हेन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ए इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो, जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो फिर वो पैराबोला नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा हो जाएगा। आई बात समझ में। अब हम आप क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, जो हम समझ में आ रहा है क्या, तो बनाते हैं जो है दो, और उसी के हेल्प से चलते हैं। अगर हम देखें जो है तो यहाँ से दो तरह के इक्वेशन बनाए जा सकते हैं अभिषेक, एक तो है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा और x इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्या, क्यों नहीं हो सकता मतलब कि जब अगर मैं एक बार बी और सी को जीरो ले लूं तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा क्या। अगर मैं यहाँ पर b इक्वल टू जीरो कर दूँ, c इक्वल टू जीरो कर, जैसे मैंने वहाँ c जीरो किया था तो y इक्वल टू mx आया था, वैसा यहाँ पर मैं b जीरो कर दूँ c जीरो कर दूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो जो उसका ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, देखो कैसे, मतलब कि ऐसा दिखा क्या, ऐसे। और एक्सेस करना हो तो ऊपर सर करके और मुंह खोल दो अपना, वो जो शेप निकली वो कौन सी हो गई, है ना, समझ में आया क्या। अब देखो जरा ये होगा कैसे, ये होगा भी तो कैसे होगा, इसमें हम क्या रखेंगे, मान लो y इक्वल्स टू, सिंपल एकदम बिल्कुल सरल वाला ले लो, y इक्वल्स टू मैंने ले लिया x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर a की वैल्यू क्या ले लिया है, 1, सबसे आसान है ना। तो जब हम आप यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या लेंगे, 0, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू 16, क्यों क्या बात समझ में आ गई सबको। जरा सा आगे बढ़ते हैं, x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू कितना, 4, क्यों बात समझ में आई, हाँ। और x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू कितना, 9, दिख रहा है क्या तुम लोगों को, ये x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू कितना, 16, बुद्धि खुल रही क्या तुम लोगों की। इस वजह से ये क्या होता है, ऐसा स्टीपर होता चला जाता जो है, इसे दिख गया क्या, दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रज्वल ऐसे लिख दूँ y इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर कुछ होने का मतलब ए बी सी डी, मतलब उतना मल्टीपल होना,
इसका मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा और पतला ऐसा, ये शेप, मतलब कैसी शेप जाएगी, फिर और ऐसा शेप चला जाएगा जो है। समझ गए क्या तुम लोग? क्यों, सबको मेरी बात समझ में आ रही है जो है? जितना ज़्यादा एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, देखो मान लो अगर यहाँ 3 हो, जस्ट इमेजिन 3, तो x इजिक्वल्स टू 1, तो y इजिक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, 3। तो ये 1, तो y कहाँ चला गया, 3 पर, यहीं से दिखा क्या है ना। अब x इजिक्वल्स टू 2 रखोगे तो 2 जा 4, 3 जा 12, x इजिक्वल्स टू 2 है लेकिन y की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो यहाँ 2 है लेकिन y कहाँ चला गया, 12 पर, इसलिए ऐसा स्टीप हो जाएगा। ठीक, अब हम मैं बात करूँ किसका, y इजिक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ अगर ऐसा प्लस c हो, c मतलब कोई कांस्टेंट 2, 3, 4 वाट एवर, हाँ x एक्सिस के लिए वो टच करता निकल गया, और हाँ टेंजेंट क्या, x इजिक्वल्स टू 0, मतलब वहीं से जाए, वहाँ से पास कर रहा है जो है। अब देखो इसको, देखो इसका मतलब ये होता है कि जो ये पॉइंट c है, ये तो जाएगा लेकिन कहाँ से, सी से, मतलब ये दूरी कितनी है, सी, अरे वाई इजिक्वल्स टू सी, एक्स इजिक्वल्स टू 0, तो वाई इजिक्वल्स टू क्या है, सी। देखो एक्स इजिक्वल्स टू 0, वाई इजिक्वल्स टू सी, अब जब रखोगे तो एक्स इजिक्वल्स टू 1, तो वाई इजिक्वल्स टू कुछ तो भी वैल्यू आएगा ना उसके ऊपर, समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए वो कहाँ से, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उतने ऊपर से लेके जाएगा। आ गई बात समझ में? मतलब हमें क्या पढ़ना था, बिल्कुल सिंपल केस वाला, बहुत ही सिंपल। ओके, नेक्स्ट केस क्या है कि अगर, रुक जाओ, जो ये है ये कैसा हो जाए, y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर मैं y इज प्रोपोर्शनल टू क्या ले लूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाली ग्राफ कैसे चली जाएगी, नीचे, बस जो ये प्लस में है वही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है ना, मैं कल भी रिवीजन लूँगा, कल ऑलरेडी रिवीजन लूँगा। हाँ, ये सब इसी में आ जाएंगे ना, इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब कंप्लीट वैल्यू आएगी। अरे ए बी सब तो कांस्टेंट है, जो भी है 1, 2, 3, इसके बाद अगर आपने एक्स रखा तो ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये इसमें होगा, और ये सब मिल करके कंबाइंड वाई की वैल्यू आएगी। वो ऐसा नहीं कि वो कुछ और अलग देके एक लाइन भी जाएगी वहाँ से, वो बनेगा तो पैराबोला ही बनेगा। हाँ ये देखो ये, फिर वही बात यार, मैंने समझाया कि ये इक्वेशन है, उसका सिंपल फॉर्मेट क्या लिया, ये लिया कि बस एक्स स्क्वायर अगर क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से, लेकिन ये लिया है मतलब बी और सी 0 है, और अगर बी और सी प्रेजेंट होंगे तो पहली बात तो जो सी होगा वो वहाँ से जाएगा। ठीक है, और इतना क्रिटिकल हम लोग कहाँ करेंगे, मैथमेटिक्स में जो है। हाँ, ये जितने भी हैं सब उसके उस पॉइंट के लिए, उसका सलूशन ही तो है। सर, और फिर अगर वो a स्क्वायर प्लस b x प्लस c को अगर प्लॉट करेंगे तो फिर दो आ सकते हैं, डबल आ सकता है ना फिर वो? कैसे, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c को अगर हम प्लॉट करेंगे ऐसा पैराबोला? नहीं, तो वो तो दो जगह पे टच करेगा ना, तो फिर दो सॉल्यूशन थे उसके? नहीं, वो पैराबोला होगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ b की वैल्यू 1 है, और यहाँ मान लो कुछ भी ले लिया 2, तो कैसे दो सोल्यूशन निकाल लोगे? अरे x की वैल्यू रखा क्या, 1 ही रखा ना, तो कहाँ से 3 सोल्यूशन आएगा? तो दो आएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे क्वाड्रेटिक है वो तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रखा, x इजिक्वल्स टू 1, कुछ गिरा क्या? अच्छा, x की वैल्यू क्या रखा, 1, तो जो यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या, हम x की वैल्यू ले रहे हैं जो है, तो डायरेक्ट y की वैल्यू क्या आएगी, वो जो तुम कह रहे हो, सुन लो, जो तुम कह रहे हो वो तब होगा जब यहाँ क्या रख दोगे, ये वाई हो ही ना, अब समझ में आया क्या? हाँ, तब वो क्या होगा, तब वो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी जो है।
अब तुम समझे क्या? तब वो जनरल फॉर्मेट नहीं जा रहा है जो है, तब तो क्वाड्रेटिक बन गया। यहाँ हमने पूरे क्वाड्रेटिक को एक फंक्शन के इज इक्वल्स टू ले लिया है, तभी तो x की वैल्यू रखने पर हमें y के ये वैल्यू मिलते हैं। फिर x की ये वैल्यू रखूंगा तो फिर y की ये वैल्यू मिलती है, तभी तो आप प्लॉट कर पा रहे हो। अभी बात समझ में आया? सर, लेकिन हम हमेशा वही लेंगे x की जगह पे। हाँ, प्लॉट करने के लिए हम हमेशा वही लेंगे x की जगह पे। ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है सर, कोई भी लेके कोई वो सेम आएगा ना सर। जैसे कैसा सर? मतलब ये y = 2x2 + x + 2 है। हाँ, वहां पे अगर x वैल्यू 1 2 3 लेंगे तो ग्राफ तो सेम ही आएगा ना? हाँ, ग्राफ सेम ही आएगा। चाहे तुम उसको पॉइंट पॉइंट में लोगे तब भी ग्राफ वही वाला आएगा, और चाहे ऐसा एक जनरल वैल्यू 1 2 3 निकाल लो तब भी ग्राफ वही है। ग्राफ कभी बदलेगा नहीं। और वैसे भी तुम लोग ये ग्राफ यहाँ से थोड़ी सीखोगे। एक आता है जो है चैप्टर मैथ्स में जो है कर्व ट्रेसिंग, असल में आप वहाँ सीखोगे कि ट्रेसिंग कहते किसे हैं। ये भी ट्रेसी है लेकिन ये बहुत ही सिंपल वाला है एक तरीके से। अगर मैं कर्व ट्रेसिंग के नज़रिए से देखूं तो ये बहुत ही सिंपल वाला है जो है। और अगर आप जब कर्व ट्रेसिंग मैथ में पढ़ लोगे तो फिर तो दुनिया का कोई भी ग्राफ हो आप बना लोगे जो है, आपको आइडिया आ जाएगा। ट्वेल्थ में है ठीक है, ये इतनी टफ चीज़ें आपको अभी दे देगा, समझ में आएगा एक भी लाइन? कुछ नहीं आएगा। उसमें कार्डियाइड बहुत सारे नाम हैं जो है, बड़े बड़े ग्राफ हैं जो है, पढ़ोगे आप लोग। अच्छा, अगर मैं ये ऐसा बना दूँ जैसे ये कुछ कुछ समझ में आया? देखो इसको आगे बढ़ाते हैं जो है। अब मान लो कि अगर मैं कैसे ले लूं, देखो अगर मैं ये सेकंड वाले को कंसीडर करूं, इस वाले को, इसको, तो यहां पर ये एक्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बोलो? वाई स्क्वायर। इस वाले का ग्राफ, हाँ, पहले ऐसे था, जब ये y था तो y के लॉन्ग गया, अब जहां x लिया तो ये किसमें? हाँ, ऐसे हो गया। और बस अगर यही यहाँ पे क्या हो जाए, x इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर हो जाए तो हाँ उसकी मिरर इमेज आ जाएगी, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में जो है। समझ गए? क्लियर हो गया क्या? मतलब आपको बेसिकली दो ग्राफ याद रखना है, कौन कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है, ये वाला, और जो वो पहला वाला था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अगर ये आपको दो याद रहते हैं, ये दोनों ऑटोमेटिक आपको याद रहेंगे जो है, ठीक। बस माइनस रखा उसका अपोजिट, माइनस रखा उसका अपोजिट, तो ये दो चीज़ें हैं जो है। फिर क्यूबिक का ग्राफ आएगा और क्या, बदल जाएगा, वो बदल कर आएगा, वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अब ऐसे तो बहुत सारे ले लो तो कितने बनाओगे? बनाना पड़ेगा तुम्हें, बनाओगे तो अपने आप निकल के आएगा। मतलब वो ट्रेसिंग का पार्ट हो गया, उसमें ये मत सोचो कि क्या आएगा। ये तो हमने नाम दे दिया कि ये पैराबोला है जो है। मान लो उसके पावर 8 आए, मैं कह रहा हूँ y इक्वल्स टू 2x^8 प्लस x^7 प्लस x^6 ऐसे से करके हो जाए, तो तुम भयभीत क्यों हो रहे हो जो है? तुम क्या करो डायरेक्ट x इक्वल्स टू 1 तो y की वैल्यू ये है ना, फिर x इक्वल्स टू 2 तो y की वैल्यू ये, ऐसे ऐसे रख करके आप क्या करोगे, एक अप्रॉक्सीमेटली ये ग्राफ प्लॉट कर लोगे। अभी बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूँ जो है? तो दिस इज अ वे, ठीक है ना। आप वैसा मत सोचो कि ये इसका होगा, कोई रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है यहाँ, आप वो समझो। हाँ, कुछ चीज़ जैसे पैराबोला है तो ये फेमस है, ये हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए जो है। स्ट्रेट लाइन है, ये फेमस है, उसके बाद वाले सब क्या है? उसके बाद वाले कॉन्सेप्ट पे है कि अगर x की वैल्यू इतनी तो y की वैल्यू इतनी, फिर ये तो फिर ये, ऐसे ऐसे करके हमें एक नई ग्राफ मिल जाएगी। आई बात समझ में ना? ये है कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा पैराबोला। लास्ट में सिमिलर ट्रायंगल्स, तुम लोगों को सबको आता ही है सिमिलर ट्रायंगल, सबको आता है सिमिलर ट्रायंगल। सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इनके साइड्स क्या होते हैं? रेशियो में होते हैं, ठीक है ना। इनके साइड्स क्या होते हैं? रेशियो में होते हैं। जैसा कि आपको एक उसने क्वेश्चन दे रखा है, एंगल एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर एंड ए बी, ए बी इक्वल्स टू पी अपान पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर। दिख गया क्या रेशियो में? उसने एक
क्वेश्चन दिया है आपको,